नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूँ एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, जिस टाइप के प्रश्न दोस्तों बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, दोस्तों ये सारे प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ये सब प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों रीजनिंग में जिस टाइप के सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं दोस्तों, और जो प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और जिन प्रश्नों को दोस्तों आपको सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगता है, उन प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया हूं। और दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा, जिसकी सहायता से दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकंड में। तो आइए दोस्तों देखते हैं रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी यहां पे देखिएगा दोस्तों, प्रश्न चिन्ह है ना, यहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह, यहीं पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों, ये सीरीज का क्वेश्चन है, तो हम देखेंगे सीरीज कैसे आगे चल रहा है। यानी कहने का मतलब है, पहला क्या है दोस्तों, पहले क्या है 4/9, उसके बाद क्या है दोस्तों 9/20, उसके बाद दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह है, उसके बाद है 39/86। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दोस्तों दिया गया है, यहीं पे आपको बताना है दोस्तों कि कौन सी संख्या होगी। इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, कैसे सॉल्व करते हैं, आप ऐसे नहीं सोचेंगे 4/9 है, उसके बाद क्या किया 9/20 हो जाए, क्या जोड़े क्या घटाए, नहीं ऐसे नहीं करना है। इस टाइप के दोस्तों रीजनिंग में क्वेश्चन आता है तो हम दो तरह से सॉल्व करते हैं, ऊपर ऊपर सॉल्व कर लेंगे और बटा में जो है नीचे नीचे ऐसे सॉल्व करेंगे। कहने का मतलब है दोस्तों, ये 4 के बाद क्या है 9 के बाद देखेंगे क्या आएगा, उसके बाद से 39 देखेंगे कैसे आया, फिर उसके बाद 9 के बाद देखेंगे नीचे दोस्तों 20 कैसे आया है, 20 के बाद क्या होगा दोस्तों, उसके बाद से 86 कैसे आया। ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो कहने का मतलब आप समझ गए, और देखिए सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ, कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखिए 4 के बाद 9 है, अगर जो मैं बोलूं दोस्तों गुणे 2 कर दीजिए और प्लस 1 कर दीजिए, 4 × 8 = 9। ठीक है, फिर आगे देखते हैं दोस्तों 9 के बाद क्या होगा, फिर इसमें भी गुणे 2 कर देंगे प्लस 1 कर देंगे, तो 9 × 18, 18 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पे 19 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 19। ठीक है, फिर आगे कहें गुणे 2 कर दीजिए और प्लस 1 कर दीजिए, ठीक है, तो 19 × 38 और 38 में 1 जोड़ेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा 39। देखिए यहां पे 39 दिया हुआ है, यानी ऊपर वाला सीरीज क्या हो गया, सही हो गया, यानी एक सीक्वेंस में चल रहा है। ठीक है, अब देखेंगे नीचे वाला दोस्तों। ठीक है, नीचे वाला क्या है दोस्तों, 9 के बाद 20 है, इसे भी मैं बोलूं दोस्तों गुने 2 कर दीजिए, 9 × 18 और इसमें क्या जोड़ेंगे दोस्तों 2 जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ऊपर वाले में गुने 2 प्लस 1 किए, नीचे वाले में क्या कर रहे हैं दोस्तों गुने 2 प्लस 2। ठीक है, क्योंकि 9 × 18 होता है, 18 में 2 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा। फिर आगे भी क्या करेंगे दोस्तों, गुने 2 प्लस 2, यानी कि 20 × 40, 40 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 40 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 42, क्या हो जाएगा 42। फिर आगे देखेंगे ये सही चल रहा है कि नहीं, फिर गुने 2 प्लस 2 करेंगे तो 42 × दोस्तों क्या होगा, 42 × दोस्तों हो जाएगा 84, और 84 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 86, और यहाँ पे 86 दिया हुआ है, तो यहाँ पे दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या होगा 19/42 होगा, क्या होगा दोस्तों 19/42 होगा, और 19/42 देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिया, तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए हैं, और दोस्तों इस टाइप के प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों इसको एक तरीका और है सॉल्व करने का, क्या तरीका है समझिएगा, ये 4 के बाद दोस्तों 9 है ना, कितना जुड़ा है 5, 9 के बाद दोस्तों क्या जोड़े, उसके बाद क्या जोड़े, तो 9 के बाद अगर जो दोस्तों मैं बोलूं 5 है, उसके बाद दोस्तों आप जोड़ लीजिए 10, 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 19। ठीक है, 19 के बाद दोस्तों क्या जोड़ेंगे 20 जोड़ेंगे, 20 जोड़ेंगे तभी तो क्या होगा 39 होगा ना, यानी 5, 10, 20 दो गुना हो गया ना, 5 × 10, 10 × 20। 9 के बाद दोस्तों क्या है 20 है, यानी 11 जुड़ा है, फिर अगर जो दोस्तों बोलूं 22 जोड़ दीजिए, 22 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे 42 हो जाएगा, और फिर उसके बाद दोस्तों क्या जोड़ना है, उसके बाद दोस्तों 11 × 22, 22 × 1, फिर क्या जोड़ेंगे 44, यानी कि दो गुना संख्याएं ऐसे जोड़ेंगे। ठीक है, तभी तो यहाँ 42 होगा ना, 11 जुड़े तो 20 हुआ, जब 22 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 42, और फिर दोस्तों 42 में जब हम 44 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 42 में 44 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 86 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 11, 22, 44 ये सीक्वेंस ऐसे भी चल सकता है, लेकिन इसमें दोस्तों क्या होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है और टाइम लगता है, और ऊपर ऊपर थोड़ा सा अगर जो ऐसे दोस्तों देखेंगे सोचेंगे दो गुना करके कितना जोड़ा, दो गुना करके कितना जोड़ा, इस टाइप से सोचेंगे तो ऐसे प्रश्न जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट कर चुका है प्रश्न, हमेशा ये प्रश्न पूछा जाता है और इस टाइप के प्रश्न आए तो कैसे सॉल्व करेंगे। पहले क्या करिए दोस्तों, वीडियो को पॉज करके अपने आप से भी सॉल्व करने की कोशिश किया करिए, ठीक है, तभी आपको लगेगा कि प्रश्न में दम है कि नहीं, क्योंकि आपसे जब सॉल्व नहीं हो पाएगा तब आप देखेंगे कि कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, तब क्या होगा दोस्तों आपके दिमाग में ज़्यादा प्रश्न बैठेगा और आपके लिए ये ज्यादातर फायदेमंद भी सिद्ध होगा और ज्यादा दिन तक आपके ये साथ जुड़ा रहेगा प्रश्न। देखिएगा ये प्रश्न क्या है दोस्तों, प्रश्न पढ़िए, प्रश्न कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें। गलत संख्या ज्ञात करना है, नीचे एक सीरीज दी गई है, एक सीरीज है और इसमें दोस्तों एक संख्या गलत है, उसी संख्या की पहचान करना है। तो क्या करते हैं दोस्तों, सीरीज के संख्याएं जब दी गई हो, सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन हो, तो सीरीज के संख्याओं को दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे, सीरीज में संख्याएं कैसी हैं और कैसे आगे बढ़ रही है। कहने का मतलब है दोस्तों इसमें कौन कौन सी संख्या है, 5 है, 27 है, 61 है और 122 है, 213 है, 340 है, 509 है, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, यानी कि ये सीरीज क्या है, क्रमशः आगे बढ़ा है, ठीक है, और इसमें एक संख्या गलत है, तो गलत संख्या की हम पहचान कैसे करेंगे। पहले तो हम सीरीज के संख्याओं को ध्यान से देखेंगे, क्या ये वर्ग है, स्क्वायर है, क्यूब है, यानी कि वर्ग स्क्वायर एक ही चीज होता है, क्या ये स्क्वायर है कि क्यूब है, ठीक है, यानी वर्ग है कि घन है, या वर्ग के करीब है या घन के करीब है, या दोस्तों नॉर्मल संख्याएं हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा अगर जो ध्यान लगाएं आप, तो कहने का मतलब है देखिएगा, ये यहाँ पे जो संख्याएं दी गई हैं, यहाँ पे जो संख्याएं दी गई हैं, सभी संख्याओं को थोड़ा सा अगर जो ध्यान से देखें, तो यहाँ पे आपको एक दो संख्याएं ऐसे दिख जाएंगी जो किसी न किसी संख्या के क्यूब के करीब है। कहने का मतलब है लास्ट से ही अगर जो देखें दोस्तों, ये क्या है, 509 है, ये किसके करीब है, अगर 8 का क्यूब क्या होता है, 8 × 64, 64 × 512 होता है, क्या होता है दोस्तों 8 का क्यूब 512 होता है, लेकिन ये दिया क्या है दोस्तों 509, यानी क्या किया है दोस्तों, -3 कर लिया है। ये दोस्तों क्या है, ये 340 दोस्तों क्या है, ये 7 के क्यूब के करीब है, यानी 7 के घन के करीब है। 7 का घन क्या होता है, 7 × 7 × 7, 7 × 7 × 49, 49 × 7 = 343, क्या होता है दोस्तों 300, क्या होता है देखिएगा, 7 का क्यूब क्या होता है 343 होता है, क्या होता है 343, और 343 में से दोस्तों हम 3 माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 340 हो जाएगा। यानी ये कर क्या रहा है दोस्तों, संख्याओं का क्यूब किया है, उसमें से 3 माइनस कर दिया है, ये 213 है, ये क्या है दोस्तों, ये 6 का क्यूब -3 है, 6 का क्यूब क्या होता है 6 × 6 × 6, 6 × 36 = 216, और 216 में से दोस्तों 3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 213 हो जाएगा। ये 122 है, ये क्या है दोस्तों 5 का क्यूब -3, 5 का क्यूब - क्या दोस्तों 3, 5 का क्यूब क्या होता है दोस्तों 125 होता है, 5 × 25 = 125, और 125 में से दोस्तों हम क्या करेंगे 3 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 122। उसके बाद दोस्तों क्या आएगा देखिएगा, इसको मैं लास्ट से समझा रहा हूं, ठीक है, लास्ट से ही समझिए, जहां से क्वेश्चन आपको समझने में आ जाए आसानी हो वहीं से क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। ये 61 है, ये क्या है दोस्तों, ये 4 का क्यूब - 3 है, 4 का क्यूब क्या होगा 4 × 16, 16 × 64, और 64 में से दोस्तों 3 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 61 हो जाएगा, और देखिए 61 यहाँ पे दिया हुआ है। अब आगे यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे 27, ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 3 का क्यूब - 3, 3 का क्यूब - 3 क्या होगा, 3 का क्यूब होगा 27, और 27 में से 3 घटाएंगे तो होगा दोस्तों 24, लेकिन यहाँ पे दिया क्या है दोस्तों 27 दिया है, 27 दिया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 2 का क्यूब - 3, 2 का क्यूब क्या होगा दोस्तों 8 हो जाएगा, और 8 में से 3 घटा देंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ पे भी सही दिया हुआ है। तो इसमें गलत संख्या कौन सा है, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों गलत संख्या कौन सा है, तो गलत संख्या आपको यहाँ पे 27 मिल जाएगा, और 27 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर पहले में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों, बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं किया जाता है, लास्ट से समझाऊं, आप अगर जो चाहे तो दोस्तों यहां पे भी देख सकते हैं 61 किसके करीब है दोस्तों 64 के करीब है, 122 ऐसे भी सोच सकते हैं, 122 किसके करीब है दोस्तों 125 के करीब है, ये 213 किसके करीब है तो ये दोस्तों 216 के करीब है, और ये 340 किसके करीब है 343 के करीब है, ये 509 किसके करीब है दोस्तों ये 512 के करीब है, यानी ये जो संख्याएं हैं दोस्तों किसी ना किसी संख्या का क्यूब है, यानी ये 512 8 का क्यूब है, 343 7 का है, 216 6 का है, 125 किसका है दोस्तों ये 125 है 5 का, और 64 है 4 का, ठीक है, और इसमें से क्या किया है 3 3 माइनस किया है। उसी प्रकार से दोस्तों ये 27 है, तो ये 27 क्या है,
ये 27 दोस्तों ये 3 का क्यूब ही है, इसमें से कुछ माइनस नहीं किया है, ठीक है। तो इसमें से भी हम 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए दोस्तों, 24, क्या होना चाहिए दोस्तों, 24 होना चाहिए, लेकिन 24 नहीं दिया, 27 ही लिख दिया। ये 5 क्या है दोस्तों, 8 के करीब है, यानी 2 के करीब है, यानी कि 2 के क्यूब, 2 का क्यूब क्या होगा 8, 8 में से 3 कटाएंगे 5 हो जाएगा, और यहाँ 27 का 27 ही लिख दिया, इसलिए 27 इसमें गलत संख्या है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को दोस्तों आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इस टाइप के प्रश्न आए तो कैसे सॉल्व किया जाता है देखिएगा। प्रश्न पढ़िए, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है यदि कुछ पुस्तकें पेंसिल हैं और कुछ पेंसिलें कलम हैं तो इसका आवश्यक है, तो इसका आशय क्या है। पहले तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आए पेपर में कभी भी, तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम कैसे बनाया जाता है देखिए, यहाँ पे कह रहा है कुछ पुस्तकें पेंसिलें हैं, तो कुछ पुस्तकें पेंसिल हैं कह रहा है ना, तो ये पुस्तकों का ये एक डायग्राम हो गया, और इसमें से क्या हो जाएगा, कुछ पेंसिलों के लिए कट जाएगा, यानी कि ये पेंसिलों का डायग्राम हो गया। ये जो कटा हुआ भाग है ना, ये बीच वाला दोस्तों, ये जो बीच वाला है ये क्या है, यानी कह रहा है कुछ पुस्तकें पेंसिलें हैं। अब आगे दोस्तों क्या कह रहा है, कुछ पेंसिलें कलम है, तो ये क्या है, पेंसिलों वाले को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें से कलम वाले के लिए काट देंगे, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, कुछ पेंसिलें कलम है, या कह लीजिए दोस्तों कुछ कलम में पेंसिल है, बात एक ही होगा। इसका डायग्राम कैसे बनेगा दोस्तों, इस टाइप से बनेगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या कह रहा है, तो इसका आशय है कह रहा है, तो अब ये चार ऑप्शन आपके सामने, पहला दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन दिया गया ना, इन ऑप्शन को दोस्तों हम पढ़ेंगे और पढ़ के देखेंगे कौन सा सही है, ठीक है। तो देखिए इस डायग्राम को मैं यहां पे लिख भी दे रहा हूं, देखिए इस टाइप से देख लीजिए, कहने का मतलब डायग्राम तो आपका ऐसे ही बनेगा, ये पुस्तकों का डायग्राम हो गया, और यहां पे कह रहा है ना कुछ पुस्तकें पेंसिलें, ये पेंसिलों का हो गया, तो ये जो कुछ है ना ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ पुस्तकें पेंसिलें हैं, या कह लीजिए कुछ पेंसिलें पुस्तकें हैं, दोनों बात एक ही है, ठीक है। उसके बाद से ये वाला क्या हो गया दोस्तों, कुछ पेंसिलें कलम है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला भाग कुछ पेंसिलें कलम है, ये भाग वाला, ये वाला भाग हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से इसका डायग्राम बनेगा, पहले क्या किया जाता है क्वेश्चन में, डायग्राम बनाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, सभी पुस्तकें कलम है, तो ये पुस्तकों का डायग्राम कौन सा है दोस्तों, पुस्तकों का फिगर कौन सा है, ये वाला है ना, तो कुछ सभी पुस्तकें कलम है, तो सभी पुस्तकें क्या कलम है, कलम तो दूर है, सभी पुस्तकें कलम है, तो यानी कि पुस्तकों का डायग्राम जो है दोस्तों ना, वेन डायग्राम के टाइप में, ये क्या है दोस्तों, यहां पर होना चाहिए, यहाँ पे यानी कि अंदर होना चाहिए, तभी होगा सभी पुस्तकें कलम है, तो ऐसे आपका वेन डायग्राम बना है, डायग्राम बना है नहीं बना है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। पहले डायग्राम बनाएंगे उसके बाद आप ऑप्शन को पढ़ेंगे, तो ये वाला पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर क्या करेंगे दोस्तों, दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, दूसरा ऑप्शन क्या करें, सभी कलम पेंसिल है, क्या कह रहे हैं दोस्तों, सभी कलम पेंसिल है, तो देखिए ये सभी कलम ये हो जाएगा और ये पेंसिल का डायग्राम ये है, तो यहाँ पे तो कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कुछ पेंसिलें कलम है, सभी कलम पेंसिल कह रहा है, नहीं कह रहा है, यानी सभी कलम पेंसिल तब होता है ये जब कलम वाला जो डायग्राम है ये पेंसिल के अंदर होता, तब कहते दोस्तों सभी कलम पेंसिल है, ऐसा दिया है नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी भी दोस्तों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी को चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है सभी कलम पुस्तकें हैं, क्या कह रहा है, सभी कलम पुस्तकें हैं, तो कलम का ये है और पुस्तकों का ये है, यानी सभी कलम पुस्तक है, सभी कलम पुस्तक कब होता, जब ये कलम का डायग्राम दोस्तों पुस्तकों के अंदर दिया रहता, तो तब क्या होता, सभी कलम पुस्तकें होते, तो सभी कलम पुस्तकें नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। जब तीन ऑप्शन दोस्तों गलत होते हैं तो चौथा ऑप्शन अपने आप सही हो जाता है, उसे आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं होती है पेपर में, ठीक है। लेकिन यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, समझिएगा, और यहां ऑप्शन नंबर दोस्तों डी को देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या करें, कुछ पेंसिलें पुस्तकें, क्या करें, कुछ पेंसिलें पुस्तकें, तो देखिए यहां पे कुछ पेंसिलें ये पेंसिलों का हो जाएगा, ये क्या है दोस्तों, पुस्तकों का है, ठीक है। तो बताइए दोस्तों कुछ पेंसिलें पुस्तकें हैं कि नहीं, या कह लीजिए कुछ पुस्तकें पेंसिलें हैं, बात एक ही है, ठीक है, यानी कि यहां पर यह चीज क्या हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुछ की बात कर रहा है तो कुछ है, अगर जो सभी की बात करता तो सभी नहीं है, क्योंकि सब में कुछ कुछ का ही ये फिगर बना है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, और जो ऑप्शन आपके हैं गलत है, यानी कि इसमें सभी की बात की, इसमें भी सभी, इसमें का भी सभी, ठीक है, और यहाँ पे कुछ की बात की है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कहा है ना कुछ पेंसिलें पुस्तकें हैं,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन आपका क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, चौथा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और चौथा क्वेश्चन देखने से पहले जो नए स्टूडेंट है दोस्तों उनके लिए बता दूं दोस्तों, ये पंचम पब्लिशर की बुक है, आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप दोस्तों रेलवे की एग्जाम देंगे, एसएससी की एग्जाम देंगे या अगर आप दोस्तों कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे, क्योंकि दोस्तों इस ईबुक में उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रश्न आपके बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। दोस्तों इस ईबुक में आपको 10 प्रैक्टिस सेट प्लस 10 वन लाइनर सेट मिलेगा। दोस्तों वन लाइनर सेट कहने का मतलब है एक लाइन में क्वेश्चन, दूसरी लाइन में आंसर। इससे क्या होगा दोस्तों, आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेंगे। दोस्तों आपके एग्जाम में 1 से 2 दिन का भी टाइम रहेगा तो इस ईबुक को लेकर आप जरूर पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी, क्योंकि दोस्तों इसमें साइंस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है। दोस्तों पंचम पब्लिशर ने इसकी कीमत 150 रुपए रखी थी, लेकिन मेरे कहने पर दोस्तों ईबुक आपको मात्र 25 रुपए मिल जाएगी। इस ईबुक को दोस्तों आप ले कहां सकते हैं, तो इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, उस लिंक के थ्रू इस ईबुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये ईबुक है पीडीएफ नोट्स की तरह, आपके मोबाइल में डाउनलोड जगह आप मोबाइल से ही पढ़ सकेंगे, ये मार्केट में ऑफलाइन आपको नहीं मिलेगी। अगर जो दोस्तों आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी प्रकार की समस्या होती है तो दोस्तों पंजाब पब्लिशर का नीचे कस्टमर केयर नंबर दिया गया, इस नंबर पर आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। इस ईबुक को दोस्तों मैं खुद देखा हूं, इसमें जो प्रश्न दिए गए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले पहले इस ईबुक को एक बार लेकर आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों चौथा क्वेश्चन वेन डायग्राम से है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रेलवे एग्जाम में बहुत बार रिपीट कर चुका है और अदर एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा जाता है और हमेशा ये प्रश्न पूछा जाने वाला है। तो देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं, वेन डायग्राम बनाना है। तो दोस्तों आपको पहले भी बताया हूं, फिर से बता रहा हूं, वेन डायग्राम से रिलेटेड आपके पेपर में कभी भी प्रश्न आएगा तो आप क्या करेंगे, जो शब्द दिया रहेगा, जैसे इसमें शब्द दिया है धातु, लोहा, क्लोरीन, इन्हीं के बीच वेन डायग्राम बनाना है। तो इन्हीं शब्दों पे दोस्तों आप क्या करेंगे, विचार करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे कि ये एक दूसरे से कैसे संबंधित है, यानी इनका रिलेशन एक दूसरे से कैसा है। ठीक है, बस ये चीज आप पता लगा लेंगे तो इसको सॉल्व भी आप कर लेंगे। तो इसमें कौन कौन से शब्द दिए गए हैं दोस्तों, धातु है, लोहा है, क्लोरीन है। ठीक है, अब इन्हीं पे विचार करने, विचार कैसे किया जाता है, सोचा कैसे जाता है, इनका संबंध कैसे निकालेंगे। धातु क्या होता है अपने दिमाग में सोचेंगे, लोहा क्या होता है, क्लोरीन क्या होता है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे दोस्तों। धातु के अंतर्गत लोहा, सोना, चांदी ये सब आते हैं, क्या आते हैं, धातु के अंतर्गत आता है, यानी लोहा क्या है दोस्तों, ये धातु के अंतर्गत आएगा, किसके अंतर्गत, धातु। क्लोरीन क्या होता है दोस्तों, क्लोरीन धातु नहीं होता है, क्लोरीन गैस होती है, क्या होती है दोस्तों, क्लोरीन गैस होती है, तो ये क्या होगा, अलग होगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको वेन डायग्राम कैसे बनेगा, एक धातु का दोस्तों सर्कल बना लेंगे और इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा दोस्तों, लोहा आ जाएगा, यानी इसके अंतर्गत ही आएगा ना लोहा, और क्लोरीन क्या होता है दोस्तों, क्लोरीन गैस होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, धातु और लोहा से ये अलग हो जाएगा, यानी वेन डायग्राम इसका कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। अब देखिए ऐसे किस ऑप्शन में आपको वेन डायग्राम नजर आ रहा है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, यानी कि ये धातु का हो गया, इसके अंतर्गत क्या हो गया दोस्तों, लोहा का, और ये साइड वाला है ये क्या है, क्लोरीन का, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। कुछ नहीं किया जाता है, बस सोचा जाता है धातु क्या होता है, लोहा क्या होता है, क्लोरीन क्या होता है, कोई भी शब्द दिया रहे तो ऐसे सोचेंगे तो तुरंत आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक है, धातु के अंतर्गत क्या होगा, लोहा, और क्लोरीन गैस होता है, इसलिए अलग, ऑप्शन नंबर डी सही, कुछ ही सेकंड में आंसर दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन, हाँ पांचवा क्वेश्चन आपका कैलेंडर का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और इस टाइप के प्रश्न आए तो दोस्तों कैसे सॉल्व किया जाता है। इस प्रश्न के लिए भी दोस्तों आपको लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बिना पेन उठाए इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो पहले समझिए, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिएगा। प्रश्न कह रहा है 12 जून 2003 को बुधवार था तो 28 जून 2005 को कौन सा दिन था, ये चीज पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, प्रश्न तो समझ गए ना, प्रश्न क्या कहे, 12 जून 2003 को बुधवार था तो 28 जून 2005 को कौन सा दिन था, ये चीज पूछ रहा है। तो इसके लिए दोस्तों क्या किया जाता है, जब ऐसे पूछे प्रश्न तो हम 12 जून 2003 से 28 जून 2005 के बीच हम देखेंगे टोटल कितने दिन हैं, ये चीज आप देखेंगे टोटल कितने दिन हैं, यानी कि इसके अंदर कितने दिन का गैप है, बस यही चीज आपको देखना है। तो इसको हम इतना दिन ऐसे नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, यानी 12 जून 2003 से यहां 12 जून 2004 तक क्या होगा, यानी कि 12 जून 2003 से 12 जून 2004 तक क्या होगा, फिर 12 जून 2008 तक क्या होगा, उसके बाद हम देखेंगे 28 जून तक। ठीक है, ऐसे प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ये नहीं आप डायरेक्ट ऐसे करने लगेंगे, डायरेक्ट ऐसे नहीं करेंगे। तो इसमें क्या क्या होता है दोस्तों, देखा जाता है आगे वाला
जो आपका सन है या जो सन दिया गया है वो लीप ईयर है या साधारण वर्ष है। लीप ईयर कहने का मतलब है दोस्तों, लीप ईयर वो वर्ष होता है जो वर्ष दोस्तों चार से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। उसमें क्या होता है दोस्तों, फरवरी माह जो होता है, फरवरी माह होता है ना वो 29 दिन का होता है, और साधारण वर्ष जो होता है उसमें फरवरी माह क्या होता है दोस्तों, 28 दिन का होता है। ठीक है, यानी कि लीप और साधारण वर्ष आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम सॉल्व करें कैसे करेंगे, 12 जून 2003 से 12 जून 2004 तक कितने दिन होगा ये चीज देखेंगे। तो 2003 लीप ईयर है या कौन सा ईयर है, यहाँ पे तो फरवरी से आगे जब दे देता है तो उस ईयर को हम छोड़ ही देते हैं, वहां से आप छोड़ देंगे। ठीक है, यानी कि 2003 क्या है, 2003 क्या है दोस्तों, ये 2003 लीप ईयर नहीं है, और इस यहाँ पे जून की बात कर रहा है, फरवरी के पहले बात करता तब हम ये सोचते। ठीक है, या फरवरी माह की बात करता तब हम देखते। ठीक है, तो 12 जून 2003 से और 12 जून 2004 यानी 2004 कौन सा ईयर है दोस्तों, इसमें फरवरी माह कितने दिन का होगा, 29 दिन का होगा, क्योंकि ये 2004 लीप ईयर है, क्योंकि ये चार से दोस्तों 2004 पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, इसलिए ये क्या है दोस्तों, लीप ईयर है। ठीक है, बस समझिएगा ये चीज। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, साधारण वर्ष में टोटल एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन, लेकिन लीप ईयर में क्या होता है दोस्तों, 366 दिन होता है। क्या होता है दोस्तों, 366 दिन होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें फरवरी माह 29 दिन का होता है। बस समझिएगा, अभी मैं समझा दूंगा तो बिना पेन उठाए आप सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों 12 जून 2003 से 12 जून 2004 तक कितना दिन होगा, 366 दिन होगा। कितना दिन होगा दोस्तों, 366 दिन। फिर प्लस कर लीजिए, 12 जून 2004 से दोस्तों 12 जून 2005 तक कितना दिन होगा, यहाँ पे जो 2004 से 2005 कर रहे हैं, यहाँ पे उन फरवरी के अब हम बात जोड़ रहे हैं, क्योंकि जून से जोड़ रहे हैं, 12 जून 2004 से जोड़ रहे हैं, इसमें 29 दिन फरवरी माह हम जोड़ चुके हैं पहले। तो अब क्या होगा दोस्तों, 12 जून 2004 से 12 जून 2005 तक कितना दिन होगा, 365 दिन होगा। ठीक है, 12 जून 2005 तक, लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है दोस्तों, 28 जून पूछ रहा है। तो देखेंगे अब कितना दिन बचा, 28 में से दोस्तों आप क्या करेंगे, 12 घटा लेंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 दिन और बचेगा। ठीक है, यानी बस इतना, इसके अंतर्गत कितना, यानी कि इसके दोस्तों इनके बीच कितने दिन टोटल हो गए, 365 प्लस 366 प्लस 316। ठीक है, अब क्या किया जाता है दोस्तों, अब इनको 7 से भाग करेंगे तो शेष इसमें क्या बचेगा, शेष इसमें दोस्तों बचेगा 2 दिन। ठीक है, इसमें शेष 2 दिन बचेगा, आप चाहें तो भाग करके देख सकते हैं, 7 × 5 = 35 हो जाएगा, उसके बाद 16 हो जाएगा, 7 × 2 = 14, 2, यानी शेष क्या बचेगा, इसमें 2 दिन बचेगा। 365 में शेष क्या बचेगा दोस्तों, 1 दिन बचेगा, आप चाहें तो 7 से भाग करके देख सकते हैं। 7 से क्यों भाग किया जाता है, सप्ताह 22 भाग किया जाता है, क्योंकि प्रत्येक सप्ताह के बाद वही दिन रिपीट होने लगता है। इसमें क्या बचेगा दोस्तों, 1 दिन बचेगा, और ये क्या है दोस्तों, 16 दिन है, यानी कि 2, 1 और 16 इसको जोड़ेंगे, 2, 1, 3 और 16 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, 19 दिन हो जाएगा टोटल। ये जो शेष बच रहा है, क्या बच रहा है दोस्तों, 19। ठीक है, अब क्या करेंगे, 19 दिन को हम 7 से भाग करेंगे, इसमें भी सप्ताह से भाग करेंगे, तो 7 × 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 हो जाएगा, और 14 को 19 से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5। शेष क्या बचा दोस्तों, 5 दिन, इसी 5 दिन को क्या करेंगे दोस्तों, हम बुधवार में जोड़ देंगे, बुधवार में जोड़ देंगे, बुधवार में दोस्तों 1 दिन जोड़ेंगे तो क्या होगा, बुधवार में 1 दिन जोड़ेंगे बृहस्पतिवार, दूसरा दिन जोड़ेंगे तो शुक्रवार, तीसरा दिन जोड़ेंगे शनिवार, चौथा दिन जोड़ेंगे रविवार, पांचवा दिन जोड़ेंगे सोमवार। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 28 जून 2005 को क्या होगा, सोमवार होगा। सोमवार किस ऑप्शन में दिया, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। अब बताता हूं दोस्तों, इतना तो आपको ये समझाने के लिए लिखा हूं, लेकिन पेपर में इतना नहीं लिखना है, पेपर में क्या करना है ये देखिए, देखिए 12 जून 2003 से 12 जून 2004 यहां बीच में है ना, 2004 क्या है, 2004 बीच में पड़ेगा, उसके बाद 2005 आएगा। ठीक है, 12 जून 2003 से 12 जून 2004 तक कितना दिन होगा दोस्तों, 366 दिन होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 2004 का फरवरी माह है 29 दिन का होगा, इसलिए इसमें टोटल दिन क्या हो जाएंगे दोस्तों, 366 दिन हो जाएगा। और उसके बाद से 2004 से 12 जून 2005 तक कितना दिन हो जाएगा दोस्तों, 365 दिन हो जाएगा। और यहां पे दोस्तों 28 में से 12 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 28 में से 12 घटाएंगे 16, बस इतना ये गैप हो रहा है। गैप इनके बीच क्या हो रहा है, 12 जून 2003 से 28 जून 2005 तक इतना गैप हो रहा है। तो 366 को दोस्तों 7 से भाग करते हैं तो आपको पता है 2 दिन शेष आएगा, इसमें दोस्तों आप भाग करेंगे 365 को तो 1 दिन शेष आएगा, और ये 16 है। ठीक है, तो 16 को भी दोस्तों आप चाहें तो 7 से भाग कर लेंगे तो इसमें भी क्या आएगा दोस्तों, 2 दिन शेष आएगा। सब शेष देख लेंगे, बस ऐसे आप चाहें तो शेष देख सकते हैं, 2, 1, 3, 3, 2, 5 टोटल
टोटल कितना दिन आ रहा है, 5 दिन। इसी 5 दिन को क्या करते हैं दोस्तों, बुधवार में जोड़ लेंगे। बुधवार को दोस्तों 5 दिन जोड़ेंगे, बुधवार में 5 दिन जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा। सोमवार इसका क्या होगा दोस्तों, सही आंसर होगा। तो क्या दोस्तों इसके लिए आपको पेन उठाने की जरूरत है? नहीं। इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों इसमें और भी क्वेश्चन है, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा। अगर दोस्तों आपको किसी चैप्टर में प्रॉब्लम है तो उस चैप्टर का नाम भी नीचे कमेंट कर दीजिएगा, वो भी चैप्टर में बहुत जल्द कंप्लीट करा दूंगा। दोस्तों अगर आप मैथ में वीक है, मैथ बेसिक से जीरो लेवल से और चैप्टर वाइज दोस्तों मैथ पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों आपके लिए चैनल बनाया हूं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। दोस्तों आप उस चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बगल में दोस्तों बेल आइकन का सिंबल बनेगा उसे भी प्रेस करके ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको डेली सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन, वहां पर जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो दो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। वहां पर दोस्तों मैं मैथ बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ। कुछ दिनों दोस्तों मैथ के वहां जब सभी चैप्टर समाप्त हो जाएंगे दोस्तों आप भी मैथ के प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व करने लगेंगे, वो भी बिना पेन उठाए। और आपको बता दूं दोस्तों ये सब प्रश्न आपको अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक वाला सिंबल दोस्तों नीचे स्टेप से बना हुआ यहाँ पे प्रेस कर दीजिएगा, और शेयर वाला सिंबल दोस्तों नीचे स्टेप से बना हुआ यहाँ पे प्रेस करके फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप है उस ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। और जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं या जिनको दोस्तों हमारे वीडियोज की डेली नोटिफिकेशन नहीं मिलती, नीचे दोस्तों रेड कलर का स्टेप से सब्सक्राइब लिखा हुआ दोस्तों यहाँ पे क्लिक करके चैनल के साथ जुड़ जाइए, और बगल में दोस्तों बेल आइकन का सिंबल बनेगा दोस्तों, ये नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है इसे प्रेस करके ऑन कर लेंगे तो इस टाइप से दिखने लगेगा। जब ये दोस्तों इस टाइप से दिखेगा तो आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन यानी आप तक मैसेज जाएगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।